यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा सरकार ने राज्य की नई कपड़ा नीति को मंजूरी देते हुए इस क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई है। कपड़ा नीति के जरिए राज्य में सरकार करीब 50,000 नए रोजगार पैदा करेगी, साथ ही खादी को बढ़ावा दिया जाएगा। कपड़ा नीति से निरमा फसल के किसानों की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा और उनके अच्छे दिन आएंगे। मिशन 2019 के लक्ष्य को लेकर बीजेपी ने राज्य में खुद की अगुवाई वाली सरकार के पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को दिल्ली में होने जा रही बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक में न केवल केंद्रीय योजना की समीक्षा होगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। हरियाणा का प्रेजेंटेशन तैयार करने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्रियों और अफसरों का पूरा सहयोग रहा। पंचकूला डेरा हिंसा मामले में एक और जहां हरियाणा पुलिस डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आरोपी बनाने से डर रही है, वहीं उसके ही दो चेले राम कुमार बिश्नोई और सुखविंदर सिंह ने बलात्कारी बाबा को मामले में आरोपी बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राम रहीम के चेलों ने हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि बाबा खुद देशद्रोह और हिंसा के षड्यंत्र में शरीक था, इसलिए उसे भी मामले में आरोपी करार दिया जाए। हरियाणा में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को न्यूनतम सजा 14 साल की होगी। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कानून में संशोधन कर आईपीसी की नई धाराओं से जोड़ने के लिए मनोहर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। आगामी बजट स्तर में सरकार इसके लिए बिल लाएगी। गांव रामनगर बस अड्डे पर गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात का अंजाम देते हुए आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गांव रामनगर के निवासी नन्ना के खिलाफ हत्या व शस्त्र के तहत मामला दर्ज किया है।